हाई एवरीबडी, माई नेम इज़ दीक्षा। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा होम टूर कह लो या पेंटिंग मेरी जो जा चुकी है, बेसिकली मुझे वो दिखाना था कि मैंने कहाँ कहाँ अपनी पेंटिंग्स बनाई थी और वो अब जा चुकी हैं। एंड एज यू कैन सी, मेरे पीछे जो दीवार है यहाँ पे भी एक पेंटिंग हुआ करती थी। सो मेरी जो पहली पेंटिंग मैंने वॉल पे की थी वो यहाँ की थी, जो मैंने डूडल्स बनाए थे यहाँ पे। तो ये वो पेंटिंग जो मैंने पहली बार बनाई थी, जिसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से कॉपी की थी। मेरी एक पेंटिंग और है जो पीछे हुआ करती थी एंड थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी, मैंने उसको कभी पूरा नहीं किया, मेरा कभी मन भी नहीं किया उसको पूरा करने का। तो वो भी हुआ करती थी, प्लस पीछे की साइड स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 मैंने बनाई थी एंड मेरी वो इनकम्प्लीट पेंटिंग ऐसी दिखती थी। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता था यहाँ बैठ के गाने सुनना एंड रिलैक्स फील करती थी। मुझे देखती थी ना जब दीवारों को, तो अच्छा लगता था। अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी, पेंटिंग्स थी, बहुत अच्छा लगता था। और एक और पेंटिंग यहाँ हुआ करती थी एक, और यहाँ जो की थी वो भी कॉपीड ही थी, जो ममता शर्मा करके एक आर्टिस्ट है। एंड दो जो थी वो मेरी छत पे थी और कुछ यहाँ भी थी, स्टेयर्स पे, यहाँ ऊपर, यहाँ मैंने हैरी पॉटर बनाया था, यहाँ पे वो मेरा गार्डन एरिया था जो मैंने पेंट किया था। और ये आपको दिख रहा होगा पबजी वाला, ये मैंने आके यहाँ छुप चुका है। बाकी मैंने बहुत कोशिश की घर को घर जैसा ना रहने देने की, मैंने इतनी पेंटिंग करी, इतने एक्सपेरिमेंट किए, तो अब तो वैसे मैं, मेरी खुद की इच्छा नहीं है करने की, मेरी बाहर ज़्यादा थी कि मैं रोड पे जाके स्ट्रीट पे ऐसे वॉल्स पे करूँ जो यूज़ में नहीं है, मगर ये COVID-19 के चलते अब तो पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा एक फ़ाइनल गुड बाय था मेरी पेंटिंग्स के लिए जो मैंने घर पे बनाई थी। अब मैं घर पे नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी अभी पेंट हुआ है। मैं अपनी DIY वीडियोस को कंटिन्यू करूंगी। एंड फाइनली अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगा करें तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।